हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम आज यामा RX100 का शॉकअप फ्रंट शॉकअप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये इनर बोल्ट्स है जो इस तरह के होते हैं, ये इनर बोल्ट शॉकअप के अंदर फिट हो जाएंगे और जिससे हमारे शॉकअप की करीबन 2 इंच तक की हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये शॉकअप के इनर बोल्ट्स हमने इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल है ड्राइव थ्रू करके उनकी तरफ से मंगाए हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस है उनकी, उन्होंने हमें काफ़ी जल्द ही ये ऑर्डर दिया है। आज हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के बाद करीबन 2 इंच हाइट इंक्रीज होने के बाद शॉकअप का वर्क भी बढ़ेगा और उसके बाद ये जो लेंथ बढ़ने की वजह से हमारा एक प्रॉब्लम था, ये मडगार्ड और नंबर प्लेट ये हमेशा सस्पेंशन पूरा दबने के बाद टच हो रही थी, तो ये भी प्रॉब्लम दूर होने वाला है। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं और इंस्टॉल होने के बाद पूरा डिटेल आपको बताते हैं। शॉकअप के वर्किंग के दरमियान ये नंबर प्लेट जो है वो मडगार्ड से टकरा रही है, तो इसलिए हम इसका 2 इंच का हाइट इंक्रीज करने वाले हैं। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए ये पूरा सेटअप फिर से खोलना पड़ेगा, शॉकअप अलग अलग करने पड़ेंगे, तो ये प्रॉब्लम हम आज क्लियर करने वाले हैं। वर्क कर रहा है क्योंकि लेंथ बढ़ गई है और स्प्रिंग की थोड़ी लेंथ कम होने की वजह से अभी नरम और अच्छा वर्क कर रहा है। तो अभी हमारा ये शॉकअप का काम जो है ये पूरी तरह से फाइनल हो गया है। इसमें हमने पुराना ही ऑयल डाला है क्योंकि हमारे ऑयल बदलने को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो हमने इसमें अंदर के पिस्टन में हमारा डिस्टेंस ऐड करके डिस्टेंस को इंस्टॉल करके इसकी हाइट इंक्रीज की है। तो पहले से अभी काफ़ी हाइट में भी इंक्रीमेंट हुआ है और हाइट बढ़ने की वजह से इसका सस्पेंशन भी पहले से नरम हो गया है। तो अगर किसी भाइयों को अगर ये वाला डिस्टेंस डालना है तो आप ड्राइव थ्रू से मंगा सकते हैं और ड्राइव थ्रू से ऑनलाइन मंगाने के बाद इसको अपने स्प्लेंडर बाइक हो या फिर सीडी डिलक्स या यामा की भी कोई बाइक हो उसमें आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं इनर बोल्ट। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये ऊपर का बोल्ट डिस्टेंस बोल्ट डालते हैं, लेकिन ऊपर के डिस्टेंस बोल्ट की वजह से अंदर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अंदर इंस्टॉल करने की वजह से सस्पेंशन में भी फर्क महसूस हो रहा है। तो हमारा आज का ये काम फाइनल किया है हमारे गुड्डू भाई ने, तो थैंक यू गुड्डू भाई, और ऐसा ही अच्छा काम हमें आपकी तरफ से मिलता रहेगा तो आपके भी कस्टमर बनेंगे ऐसी हम आशा करते हैं।
हमारा रबड़ नीचे आ रहा है अभी, ये रबड़ छोटा हो गया है तो ये सही तरह से पकड़ रही है इसमें, इसलिए इसमें केबल टाई लगा देते हैं। केबल टाई लगने की वजह से अभी ये स्टेबल और फिक्स रहेगा। पहले ये रबर थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता था, अभी रबर पूरी तरह से खुल चुका है क्योंकि ये जो शॉकों का डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। तो फाइनली अभी नंबर प्लेट फिटिंग करने की बारी है। अभी हमारी नंबर प्लेट भी परफेक्ट फिटिंग हो गई और अभी इसमें करीबन इतना डिस्टेंस है। फाइनली हमने शॉक ऑफ डिस्टेंस के फिटिंग का काम कंप्लीट कर लिया है और शॉक ऑफ डिस्टेंस फिटिंग होने के बाद करीबन 2 इंच तक इसकी हाइट जो है इंक्रीज कर ली है और इसकी वजह से अपने RX 100 में बहुत अच्छा लुक आ रहा है और गाड़ी की हाइट बढ़ने की वजह से चलाने में भी कंफर्ट फील होगा। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू अगेन।